जय श्री राम। भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कभी भी किसी भी सिविलियन को दिया जाता है, और लिब्रांडो ने कैसे भारत रत्न से अवार्डेड सेलिब्रिटीज को टारगेट किया ये हम सब ने देखा। और अगर किसी भारत रत्न से अवार्डेड सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे देश को टारगेट कर रहे हैं, और जो विदेशी ताकतें हैं वो हमारे देश को तोड़ने में लग चुके हैं, और वो भी हमारे देश के अंदर बैठे हुए लिब्रांडो की मदद से। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे लिब्रांडो ने हमारे हिंदू कल्चर को टारगेट किया, हमारे हिंदुस्तान को टारगेट किया। सेकेंड पॉइंट में मैं बताऊंगा कि कैसे फॉरेनर्स ने हमारे कंट्री को टारगेट किया, वो भी लिब्रांडो की मदद से। और थर्ड पॉइंट में मैं बताऊंगा कि कैसे फॉरेनर्स हमारे कल्चर को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू सभ्यता को नीचा दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे लिब्रांडो ने हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदू कल्चर को टारगेट किया और उसको नीचा दिखाने का ट्राई करते आ रहे हैं। काउ यूरिन के बारे में आप सब जानते होंगे, उसके बारे में कितनी सारी अफवाहें उड़ाई गई थी। हमारे जो ध्रुव टट्टी साहब है उन्होंने भी कितनी सारी अफवाहें उड़ाई, कितना मजाक बनाया। कभी ये कह के मजाक उड़ाते थे कि क्या कोरोना को तुम लोग गौमूत्र से ठीक करोगे। ध्रुव टट्टी कभी ये कह के मजाक उड़ाता था कि सारे भक्त गौमूत्र पी के ही अपना कोरोना ठीक कर लेंगे। और भी बहुत बार इस ध्रुव टट्टी ने हिंदुओं का मजाक उड़ाया है। कभी गाय के गोबर के ऊपर मजाक उड़ाते हैं तो कभी गाय को रोटी खिलाने के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। क्या आपको मालूम है कि यूएसए ने ऑलरेडी काउ यूरिन को पेटेंट करवा लिया है, गौमूत्र को पेटेंट करवा लिया है, और अब यूएसए उस गौमूत्र को यूज करके बायो इनहेंसर्स बनाने वाली है, एंटी कैंसर मेडिसिन बनाने वाली है। अब आप सोच सकते हैं कैंसर जो कि कितना भयानक बीमारी है उससे लड़ने में गौमूत्र कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। बायो इनहेंसर्स की तरह से उसको भी यूज किया जाता है, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए गौमूत्र को यूज किया जाता है। लेकिन लिब्रांडो ने क्या किया, गौमूत्र का इतना मजाक उड़ाया कि खुद हमारे देश के लोग जो खुद हिंदू है वही इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं, और वही लोग मजाक उड़ाते हैं। और वहीं पे विदेश में क्या हो रहा है, विदेश के लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, गौमूत्र को यूज करके वो लोग मेडिसिन बना रहे हैं, उसका वो लोग पेटेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लॉस आखिर किसका हुआ, हमारे कल्चर का हुआ, हमारे कंट्री का हुआ, क्योंकि उन लोगों ने तो पेटेंट करवा लिया। अब उस चीज को यूज करने के लिए हम लोगों को उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, जबकि हमारे वेदों में ऑलरेडी गौमूत्र के बारे में लिखा हुआ है। कितने सालों से गौमूत्र को हम लोग एज ए मेडिसिन यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इन लिब्रांडो के ज्ञान देने के कारण हमारे देश के हाथ से वो पेटेंट भी निकल गया। ये जो सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी से लोग आते हैं ये किस तरह से गौ का मजाक उड़ाते हैं, गौ के गोबर का मजाक उड़ाते हैं। इस वीडियो को आप एक बार देख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं। हे गाइस, सो अब आ चुका है वो मोमेंट जिसके लिए हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे। 2020 स्टार्ट हो चुका है एंड मेन गेम्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान एंड श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज आ रहे हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ओवर हो चुका है और उसके चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ फुटबॉल में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। मेरे 1xBet वाले दोस्तों, द मोस्ट रिलायबल बुक मेकर, मेक श्योर करते हैं कि आप अपने सारे विनिंग्स को सही से रिसीव करो। ये एक सर्विस है जहाँ पे आप बेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, मैच रिजल्ट देख सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं एंड बहुत सारे विनिंग्स भी कर सकते हैं। एंड ओनली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए $100 फॉर फर्स्ट डिपॉजिट। आप यहाँ से इजिली विनिंग्स विदड्रॉ कर सकते हैं थ्रू पेटीएम एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज। मैंने इस ऐप को चूज किया है और यूज भी किया है, सो आप भी ट्राई करें। एंड अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो बेट सिर्फ 1xBet पे ही लगाएं। 1xBet का लिंक और प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, तो आप भी आओ और प्रूफ करो कि आप भी एक स्पोर्ट्स फैन हो।
इनका तो काम ही है हिंदुओं का मजाक उड़ाना, हिंदू के कल्चर का मजाक उड़ाना, क्योंकि ये लोग कम्पीट तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब एक बार को आप सोच कर देखो कि हमारे देश की चीज जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, उस चीज का पेटेंट किसी और कंट्री के लोग करवा रहे हैं, किसी और कंट्री के साइंटिस्ट करवा रहे हैं, और हमें उसी चीज को यूज करने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरीके से हल्दी का पेटेंट भी यूएसए ने करवा लिया था। हल्दी के कितने सारे बेनिफिट्स है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पे कट जाता है, कहीं पे छिल जाता है, तो हम लोग हल्दी का पेस्ट बना के अपने जख्म के ऊपर लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो जख्म होता है वो जल्दी हील हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है, हमारी बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाती है। जब हमारे बॉडी में कहीं पे पेन होता है, कहीं पे चोट लग जाती है, तो वहां पे भी हम लोग हल्दी का पेस्ट लगाते हैं, जिसके बाद हमारा जो पेन है वो कम हो जाता है, जो स्वेलिंग होती है वो भी कम हो जाती है। जब हम लोग बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं तो हल्दी वाला दूध पीने के बाद कितना ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अगर हल्दी के गुणों को मैं गिनाने लगूं तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन आप गिन नहीं पाओगे। इतनी सारी खूबियां हल्दी में होती है। शादी के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि हल्दी की रस्म होती है, जिसमें दूल्हे को और दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है, जिससे उसके शरीर में जो टैनिंग होती है वो खत्म हो जाती है। और इसी हल्दी का जो पेटेंट है वो यूएसए ने करवा लिया था, जिसके बाद इंडिया ने एक केस फाइल किया और लास्ट में इंडिया ने वह केस जीत लिया, और फाइनली जो हल्दी का पेटेंट है वो हमारे पास है। गाय के गोबर का भी इसी तरीके से मजाक बनाया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गाय के गोबर से कितनी सारी चीजें बनाई जा रही हैं? गाय के गोबर से हर्बल पेंट बनाए जा रहे हैं, जो कि एंटी टॉक्सिक होता है, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। अपने घरों में जो आप पेंट करते हो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन गाय के गोबर से जो पेंट बनाया जाता है वो बिल्कुल भी नॉन टॉक्सिक होता है। गांव में आपने ये भी देखा होगा कि गाय के गोबर को फ्यूल के तरीके से यूज किया जाता है, उसे धूप में सुखाने के बाद उसको जलावन के तौर पे यूज किया जाता है। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारे देश के बाहर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे गौ के गोबर की चीजों को बेचा जा रहा है। काउडंग केक के नाम से ये ऑनलाइन बिकता आ रहा है। यहाँ तक कि इससे लकड़ी भी बनाई जाती है और साथ ही साथ गमले भी बनाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है। इससे हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। तो ये तो सिर्फ कुछ ही चीजें थी, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इस पॉइंट से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लिब्रांडुओं ने कैसे हमारे देश को हानि पहुंचाया, कैसे क्षति पहुंचाया और कैसे हमारे हिंदू सभ्यता का मजाक उड़ाया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, हमारे देश को कैसे फॉरेनर्स ने लिब्रांडुओं की मदद से टारगेट किया। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे आपने देखा होगा कि कैसे हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज हैं, जिनको भारत रत्न दिया गया है, उनको टारगेट किया गया था। सचिन तेंदुलकर हो या फिर लता मंगेशकर हो, उन सबको टारगेट किया गया। और साथ ही साथ हमारे देश में जो लिब्रांडूज हैं, जिसमें कि कांग्रेस भी आते हैं, उनके नेताओं ने भी हमारे सेलिब्रिटीज को टारगेट किया। यह जो पूरा नेक्सस है कि कैसे कहां से फंडिंग आया, कौन कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व है, ये सब मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देख लें, जिसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन ये सारी चीजें कर रहा है और क्यों ये सारी चीजें कर रहा है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं यहाँ पे कार्ड्स में दे दूंगा, यहाँ से आप जाके देख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे विदेशी लोग जैसे रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा जैसे लोग आके ट्वीट कर रहे थे, जिनको फार्मर से कोई लेना देना नहीं है, जिनके देश में खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, वो हमारे देश के ऊपर आके ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे देश में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो हमारे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे, उनको लूट लिया जाएगा। जिनके देश में खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और ये आज से नहीं बहुत सालों से चलता आ रहा है, वो हमारे देश में आके ज्ञान देते हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने जो गलती से टूल की ट्वीट कर दिया था, उसके बाद यह पूरा नेक्सस एक्सपोज हुआ था कि कैसे विदेशी लोग हमारे देश को तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, हमारे देश में अशांति फैलाने का ट्राई कर रहे हैं, और वो भी हमारे देश में ही बैठे कुछ लिब्रांडो की मदद से। इसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा, राणा आयुब, ध्रुव टट्टी, आकाश बनर्जी, तो ये सारे लोग हमारे देश को तोड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे। ध्रुव टट्टी और आकाश बनर्जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो कितने बड़े लिब्रांडो हैं, पर शायद राणा आयुब का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। राणा आयुब के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो हमेशा से एंटी हिंदू है, हमेशा वो एंटी हिंदू पोस्ट डालते आ रही है। एक बार एक रेप केस में कुछ मुसलमान शामिल थे और उनके नाम को जब पब्लिक किया गया था तो उसके ऊपर राणा आयुब आकर भौंकना स्टार्ट कर दी थी और अपने आप को ये जर्नलिस्ट समझती है, क्योंकि जो अक्यूज थे, जो दोषी थे, वो मुसलमान थे। और वहीं पे जब कोई दूसरे केसेस होते हैं जहां पे कोई हिंदू अक्यूज होता है, कोई हिंदू दोष
खुशी होता है तो खुलेआम वो आके ट्वीट करती है, मतलब वाह भाई वाह। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, कैसे ये फॉरेनर्स हमारे हिंदू सभ्यता को टारगेट करते हैं, उसे नीचा दिखाने का ट्राई करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि रिहाना की एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें रिहाना अपनी सभ्यता को दिखा रही थी। नंगे पोंगे वो फोटो शूट कर रही थी जिसमें उन्होंने भगवान गणेश का एक लॉकेट पहना हुआ था। पहले एक और बार भी रिहाना ने ऐसे नंगे पोंगे फोटो शूट कराया था जिसमें वो अपने बॉडी पे संस्कृत का एक श्लोक लिखकर दिखा रही थी। और मियां खलीफा के मौसेरे भाई जावेद हबीब ने भी हिंदू भगवान का मजाक उड़ाया था। जी हाँ, मैं उसी नाई की बात कर रहा हूँ जो रिहाना और मियां खलीफा के बाल काटते हैं, और यहाँ पे मैं सर के बाल की बात कर रहा हूँ। जावेद हबीब ने अपने सलोन के एडवर्टीजमेंट के लिए न्यूज़पेपर में हिंदू भगवान के पोस्टर्स को यूज किया था और उनका मजाक उड़ाया था, जिसके बाद उनके ऊपर केस भी दायर की गई थी। तो ये कुछ लोग थे जो हमारे हिंदू सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं और इनकी हेल्प करते हैं हमारे देश में बैठे लिब्रांडू लोग। और वहीं पे कुछ ऐसे एक्टर और सेलिब्रिटीज भी हैं जो हमारे हिंदू कल्चर का इतना ज्यादा सम्मान करते हैं। उन सेलिब्रिटीज में विल स्मिथ और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे सुपरस्टार्स भी आते हैं जो कि हिंदू सभ्यता का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, और यहाँ तक कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर खुद एक इस्कॉन के फॉलोअर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें ऐसे ही वीडियोस और बनाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं या पेट्रियन पे मेंबर भी बन सकते हैं। UPI ID और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और मेड इन इंडिया सोशल मीडिया कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।